फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में महंगे होते कच्चे तेल की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव बढ़कर 97.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर 89.07 रुपये प्रति लीटर हो चली है। एक दिन पहले गुरुवार यानी 24 मार्च 2022 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 97.01 रुपये प्रति लीटर था और डीजल का भाव 88.27 रुपये प्रति लीटर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि ईरान की ओर से जल्द क्रूड सप्लाई शुरू होने की खबरें आने लगी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर $118 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं। कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह यूरोपीय देशों में रूस से क्रूड सप्लाई नहीं रोकने का फैसला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रूड की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी रहेगा क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग जारी है। हालांकि आने वाले दिनों में ईरान की ओर से सप्लाई अगर शुरू होती है तो कीमतों में गिरावट की आने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह कच्चे तेल का महंगा होना है। हालांकि सरकार पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स वसूलती है। आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 52 रुपये टैक्स के रूप में सरकार की जेब में जाता है। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती करके आम आदमी को राहत भी दे सकती है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 सालों में जहां एक ओर प्रति व्यक्ति सालाना आय 1.26 लाख रुपये से घटकर 99,155 रुपये सालाना पर आ गई है, वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,282 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,71,908 करोड़ पर पहुंच गई है। बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाकर सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।